इस वीडियो में हम 5's कॉम्प्लीमेंट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिंगल डिजिट्स के हम कुछ सम्स लेंगे, 2 रोज़, 3 रोज़ और 4 रोज़ के। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने 5 कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूलाज लिखवाए थे और स्मॉल फ्रेंड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई कार्ड पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो में जो हम सम्स करेंगे बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, मैं कुछ सम्स लिख देता हूँ। 2 रोज़ के मैं कुछ सम्स लूँगा। पहले मैं 5's कॉम्प्लीमेंट्स में जो +5 का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे +1, +2, +3, +4, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे 3 + 3, 2 + 4, 4 + 2, 4 + 1। इन चारों सम्स में हम +5's कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे। दोस्तों, +5 और -5's के कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको याद नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले वीडियो देख के उन्हें अच्छे से लर्न कर लें। फिर भी इस वीडियो को एडिट करके मैं +5 और -5 कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं उस साइड डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले सम से, 3 + 3। 3 + 3 करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यूनिट रॉड पर 3 बनाएंगे। +3 करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, +3 के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट है, +5 - 2, +5 - 2। तो दोस्तों आंसर आ गया 6। 6 लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं। 2 + 4, 2 + 4 करने के लिए सबसे पहले हम 2 बनाएंगे, 2 के बाद 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट है, +5 - 1, 5 down 1 down। तो दोस्तों आंसर आ गया 6। 6 लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट सम ले लेते हैं +4। इसमें +2 करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो है हमारे पास +5 - 3, तो +5 - 3 कर देंगे, आंसर आ गया 6। इसे रिमूव कर देते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट सम +4, +1। +1 करने के लिए हमें क्या कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, 5 down 4 down, 5 down 4 down, तो आंसर आ गया 5। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, +5 के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ -5 के कॉम्प्लीमेंट्स भी मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। अब हम -5 का कॉम्प्लीमेंट्स के भी कुछ सम्स ले लेते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने +5 और -5 के कॉम्प्लीमेंट्स मैंने डिस्प्ले लगा दिए हैं, पर उम्मीद करता हूँ आपने ये कॉम्प्लीमेंट्स लर्न कर लिए होंगे। तो ले लेते हैं कुछ सम्स। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हर सम में हम -5 का कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। ले लेते हैं पहला सम 6 - 4। 6 - 4 करने के लिए 6 बना देंगे, 6 बन गया। अब मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा। 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है +1 - 5, 1 up 5 up, तो आंसर आ गया 2। 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 - 3। 5 बना देते हैं, -3 करने के लिए 2 up 5 up, +2 - 5, आंसर आ गया 2। लिख देते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8 - 4। 8 - 4, -4 करने के लिए 1 up 5 up, +1 - 5, +1 - 5, आंसर आ गया 4। लास्ट हम ले लेते हैं 5 - 2। 5 - 2 करने के लिए 3 up 5 up, मतलब +3 - 5, कर देते हैं +3 - 5, आंसर आ गया 3। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। माफ़ी चाहता हूँ बुरी हैंडराइटिंग के लिए। दोस्तों 3 रोज़ के अब सम्स करेंगे हम।
थ्री रोज हर सम में मैंने एक एडिशन का कॉम्प्लीमेंट और एक सब्ट्रैक्शन का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, तो ताकि आपकी और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहला सम ले लेते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1, बना देंगे 2, प्लस 3 करने के लिए प्लस 5 माइनस 2, माइनस 1 करने के लिए प्लस 4 माइनस 5, प्लस 4 माइनस 5, आंसर आ गया 4। रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट सम ले लेते हैं 5 माइनस 4 प्लस 4, 5 माइनस 4 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5, और 4 ऐड करने के लिए प्लस 5 माइनस 1, आंसर आ गया 5। क्लियर कर देते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 3, 8 माइनस 4 प्लस 3, आंसर आ गया दोस्तों 7। रिमूव कर देते हैं, लास्ट सम ले लेते हैं 7 माइनस 3 प्लस 4, 7 माइनस 3 प्लस 4, आंसर आ गया 8। दोस्तों अब 3 रोज के भी हमने सम कर ली, अब 4 रोज के कुछ सम्स मैं लिख देता हूं, फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मैंने 4 रोज के कुछ सम्स लिए हैं, अब इन 4 रोज के सम्स को हम ट्राई करेंगे और थोड़ी सी स्पीड में चाहूंगा कि आप भी बढ़ा लें जैसे मैंने बढ़ा लिए, और बच्चों को भी जब आप 5 कॉम्प्लीमेंट पर ले आए तो कोशिश करनी है थोड़ी आप उनकी स्पीड बढ़वा दें, तभी बच्चा मेंटली टूल को इमेजिन कर पाएगा। स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जितने भी सम्स आप बच्चों को करवाएंगे स्पीड को आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, हर क्लास में आपको स्पीड चेक करनी है, स्पीड बहुत मैटर करती है। तो शुरू करते हैं पहले सम से, 8 माइनस 4, माइनस 4 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5, प्लस 3 करने के लिए प्लस 5 माइनस 2, माइनस 3 करने के लिए प्लस 2 माइनस 5, तो दोस्तों आंसर आ गया 4। दोस्तों जिस तरह मैं हाथ चला रहा हूँ फटाफट, आपने भी देखना है बच्चों को करते समय कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस शीट या फिर बुक के अलावा भी आप वर्बली बोल करके बच्चों को अबेकस पे करवा सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं 5 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, और बच्चा आपको स्टूडेंट टूल पर प्रैक्टिस करके दिखा सकता है। मेक श्योर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, अबेकस उसी बच्चे को आ सकता है जो अबेकस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स सॉल्व करता है। जो बच्चा अपने स्टूडेंट अबेकस टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस नहीं करेगा वो कभी भी मेंटल मैथ्स कर ही नहीं पाएगा। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, हालांकि ये मास्टर अबेकस है फिर भी आप मेरी स्पीड देख सकते हैं, 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2, 7 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2, आंसर आ गया दोस्तों 4। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, आंसर इज 2। दोस्तों अगर आपको मेरी फिंगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं तब तक आप बच्चों को 5 कॉम्प्लीमेंट ना करवाएं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, आंसर इज 1। दोस्तों ये स्पीड कुछ भी नहीं है, जब स्टूडेंट अबेकस टूल पर आप प्रैक्टिस करेंगे और बच्चे को करते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस मास्टर अबेकस से 10 टाइम्स फास्ट जो है फिंगर मूवमेंट हो जाती है। ले लेते हैं नेक्स्ट सम, 9 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, आंसर इज 5। दोस्तों
कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप फाइव कॉम्प्लीमेंट्स के सम्स कर रहे होंगे कि कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होना ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती जो है कॉम्प्लीमेंट लगा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट के बाद जब हम फाइव कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो होता क्या है, हम फाइव कॉम्प्लीमेंट अपने दिमाग में रखते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि डायरेक्ट विदाउट कॉम्प्लीमेंट से भी तो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि टू में टू ऐड करना है तो टू में टू ऐड डायरेक्ट ही होगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। पर होता क्या है, कभी कभी टू बनाने के बाद जब हमें टू और ऐड करना होता है तो हम प्लस फाइव माइनस थ्री करने की सोच रहे होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सम्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरे ब्लॉग गोपाल सिद्धू पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप इन सम्स की प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइव कॉम्प्लीमेंट के सम के साथ ही, पर सिंगल डिजिट के बजाय हम टू डिजिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करेंगे। दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ और मेरी इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एबेकस एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे तक ये एक्टिविटी पहुँचे, और जो लोग एबेकस ट्रेनर बनना चाहते हैं वो मेरी वीडियो से खुद भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी मोटिवेट करें ताकि वो भी एबेकस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएँ।